Alright everyone, so right now we are on around 10 million vegetable pool. The White Aquarium in Indoor Zoo is one of the largest and biggest indoor aquarium in the world. As I mentioned, right now we are on around 10 million liters of water. Close your eyes. Yeah. One night in Dubai. Welcome to King Shan Vlogs. तो guys, आज हम जा रहे हैं दुबई मॉल और दुबई मॉल में हम जाने वाले हैं दुबई एक्वेरियम और अंडर वाटर जू. ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है जो आप देखने जा रहे हैं. तो उसके अंदर क्या क्या है, क्या उसकी हिस्ट्री है, सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाले हैं. तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और एंजॉय करें किंग शान व्लॉग. तो अब हम एंट्री कर गए हैं दुबई मॉल में और ये देखिए बहुत ही बड़ा मॉल है यहाँ का दुबई मॉल. अगर आप दुबई घूमने आ रहे हैं तो दुबई मॉल आपको बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है. और आज आपको एक एक्टिविटी पर दिखाऊंगा. वैसे यहाँ पर फाउंटेन शो होता है, एक्वेरियम तो है ही, और दुनिया का जितना भी ब्रांड आप सोचोगे दिमाग में सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है. बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे होता है अगर आप आते हैं दुबई मॉल घूमने के लिए फिलहाल. और हम हमेशा आते हैं दुबई मॉल जब भी हमें कहीं नहीं जाने का मन करता है. तो हम अभी जैसे गर्मी का महीना चल रहा है यहाँ पर दुबई में, तो ज़्यादातर हम दुबई मॉल ही चले आते हैं. ये देखिए, जैसे हम एंट्री किए तो सामने हमारे था आइस स्केटिंग. तो आइस स्केटिंग जो है यहाँ पर आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं. ये देखिए, तो ये 100 से लेके 130 तक का यहाँ पे इसमें टिकट लगता है. आप वो लें और आप इंजॉय कर सकते हैं एक बेहतरीन स्केटिंग का. अगर आपको नहीं भी आता है तो यहाँ बहुत सारा सपोर्टिंग देते हैं जिसको आप पकड़े, देखिए थंब देख रहे होंगे आप, जिसको इस तरह से पकड़ के आप स्केटिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है जब अगर आप यहाँ पर आते हैं. और ये दुबई मॉल के अंदर है आइस स्केटिंग, तो एक बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे एक्टिविटी है. तो आप जब भी आए यहाँ पर तो अब इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं. तो गाइस, कुछ देर हमने ये देखा और फिर हम निकल पड़े दुबई एक्वेरियम के लिए, जिसके लिए आज हम आए हैं. देखिए, इस तरह के व्यूज़ आपको दुबई मॉल में मिलेंगे जो कि बहुत आइकॉनिक होते हैं अगर आप दुबई मॉल आते हो. तो मैंने कहा ना, बहुत बड़ा मॉल है ये दुबई मॉल, तो जो लोग भी दुबई घूमने आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं. तो बस इस तरह से हम घूमते हुए अब हम पहुँचने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता है. तो देखिए, अब हम पहुँच गए हैं दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू. तो ये देखिए सीनरी है, और अभी हम टिकट लेंगे यहाँ से, जो सामने काउंटर देख रहे हैं. और टिकट जो है प्राइस है यहाँ पर 130 से लेके 200 रुपये तक का लगता है. हमने ऑनलाइन लिया था तो हमें थोड़ा कम पड़ा. वैसे आप यहाँ काउंटर से लोगे तो आपको 200 के आसपास आपको पड़ेगा. तो गाइस, अब हम जा रहे हैं एक्वेरियम के अंदर. ये देखिए बाहर से ये व्यू जो देख रहे हैं, ये आपको बाहर से देखने को मिल जाएगा एक्वेरियम. अब दुबई मॉल जाओगे तो आप बाहर से भी इस एक्वेरियम का मज़ा ले सकते हैं. तो जस्ट ये बाहर से व्यू है और अब हम अंदर की तरफ जाएंगे. ये देखिए, अब हम एंट्री कर रहे हैं टनल के अंदर, जो एक्वेरियम के अंदर हम वॉक करेंगे और जो है एक्वेरियम का मज़ा लेंगे. तो गाइस, सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पर 140 तरह के जो है मैरिन स्पीसीज जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें 400 से ऊपर जो है यहाँ पर शार्क हैं, स्विंग हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. ये बहुत बड़ा जो है एक्वेरियम है, लगभग 10 मिलियन लीटर टैंक का ये एक्वेरियम है. तो
आप समझ सकते हैं कितना बड़ा और भव्य है। तो अभी हम जो है एक्वेरियम के अंदर एंट्री कर चुके हैं और टनल में हम मजे ले रहे हैं। शार्क का बहुत सारे ऐसे जो समुद्री मछलियां हैं उस जो कि आपने कभी देखा नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने खूब मस्ती की अपने बेटे के साथ शाहमीर, क्योंकि शाहमीर भी जो है पूरे मजे कर रहा है मेरे साथ। तो एक बहुत बढ़िया आपको व्यू मिलेगा आप जब आओगे दुबई एक्वेरियम। तो हम बहुत देर तक यहाँ पर मज़े लिए इस टनल के अंदर और फिर हम चल पड़े अंडर वाटर ज़ू की तरफ। तो जो ज़ू है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो आपको बाहर निकल कर आपको लिफ्ट से जाना होगा। तो हम इस तरह से बाहर निकल गए और अब हम जाएंगे अंडर वाटर ज़ू की तरफ। और ये था दुबई एक्वेरियम। तो हम आ गए लिफ्ट के सामने और ये देखिए हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे और एंट्री करेंगे अंडर वाटर जू की तरफ। तो ये देखिए अब हम जू में आ चुके हैं, अंडर वाटर जू। तो यहाँ पर भी आपको टिकट एक बार चेक किया जाएगा और फिर आप एंट्री करेंगे अंडर वाटर जू की तरफ। तो ये देखिए हम अंदर घुस चुके हैं अंडर वाटर जू। ये देखिए यहाँ भी आप लगेगा एक्वेरियम के अंदर हैं और ये जो है ये भी एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है अभी। तो गाइस यहाँ पर आप अंडर वाटर जू, पेंगुइन कोव, बिहाइंड द सीन्स एंड नाइट क्रिएचर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं जल्दी से अंदर और स्टार्ट करते हैं अंडर वाटर जू का सफर। तो ये देखिए इस तरह से कुछ आपको लगेगा कि आप रियली अब जू में हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी जो समुद्री मछली होती है वो चीज़ जो आप हर जगह नहीं देख सकते हैं, आप यहाँ पर आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे मैरीन स्पीसीज हैं जो कि छोटे छोटे एक्वेरियम के रूप में यहाँ पर रखा गया है। और तो ये कुछ था जब वाटर के अंदर आप तो इस तरह से बैठ के आ सकते हैं। तो मैं वहाँ पर बैठ के ऐसे देख रहा था, इस तरह से पूरा आप अंदर बैठ के आप वाटर के अंदर चल सकते हैं। तो था ये समझ में नहीं आया बट ठीक है। ये देखिए क्रोकोडाइल का यहाँ पर, इस तरह से बहुत देर तक हम वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। जो छोटे छोटे एक्वेरियम बने हुए थे जू के अंदर तो हम उसका मज़ा ले रहे थे इस तरह से। और ये देखिए पेंगुइन है, यहीं पर पेंगुइन कोव था जिसके अंदर हम पेंगुइन्स का जो है हम रियल व्यू हमने लिया। ये देखिए शाहमीर जो है मज़े ले रहा है। फिर ये देखिए इस तरह से यहाँ पर नाइट क्रिएचर्स की तरफ जाने के लिए इस तरह से बना हुआ था। तो हम इस तरह से रोप वे से जा कर के फिर हम एंट्री किए नाइट क्रिएचर की तरफ। और उससे पहले यहाँ पर छोटा सा रेस्टोरेंट का था जहाँ पर शाहमीर जो है मस्ती करता हुआ आपको दिख रहा है। और यहाँ पे हमने कॉफ़ी पिया और कॉफ़ी पीने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा है ये अपने कहा था एक्वेरियम। और ये देखिए हम देख रहे हैं क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल था वहाँ पे, दो क्रोकोडाइल्स थे इतने बड़े बड़े, सोचिए एक्वेरियम के अंदर ये सतारा बनाया गया है। तो बहुत ही एक अच्छा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा अगर आप आएंगे अंडर वाटर जू। ये देखिए ये क्रोकोडाइल का एग है, क्रोकोडाइल एग्स किंग एंड क्वीन। अच्छा वो जो दो थे वो किंग एंड क्वीन थे जिनको रखा गया था, एक नर एक मादा थी क्रोकोडाइल। तो ये देखिए ये पूरा सामने देख रहे हैं आप, यही है अंडर वाटर जू और छोटे छोटे यहाँ पर बने हुए हैं एक्वेरियम और एक से एक आप जो है आपको फिश जो है आपको समुद्री मछलियाँ कह सकते हैं आपको देखने पर मिल जाएगी। ये देखिए तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। बहुत देर हमने यहाँ पर बिताया तो थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा रहा था कि आप बोर भी ना हो और आप मज़े भी लें। तो ये देखिए ये अब नाइट क्रीचर्स की तरफ जा रहे हैं जो यूएई में पाए जाते हैं। तो खैर इसका सही से व्यू को हम नहीं दिखा पा रहे हैं, बस ये दिखा रहे हैं कि इस तरह का एम्बियंस होगा
यहाँ पर आप कुछ कुछ चमगादड़ और बहुत सारा चीज है, आप उसका वहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटी छोटी चिड़िया जो नार तो यहाँ से गाइज अब हम आ गए हैं बोटिंग की तरफ और अब हम बोटिंग करेंगे एक्वेरियम के अंदर ऊपर की तरफ और हमारे नीचे जो है शार्क था तैरता हुआ दिखेगा अभी आपको। तो ये देखिए हम अब ड्रेस पहन रहे हैं बोटिंग के लिए, जो प्रोटेक्शन के लिए होता है वो पहन रहे हैं और फिर हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारा टर्न आएगा तो फिर हम जाएंगे। तो एक बार में कुछ ही लोग जा पाते हैं। What are you doing, Samir? What are you doing? We will do boating. Samir. We will do boating. तो शामिर भी हमारे साथ वेट कर रहा था। तो अब फाइनली हमारा टर्म आ गया और हम अब जा रहे हैं बोटिंग की तरफ। तो ये बहुत ही अमेजिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा दुबई एक्वेरियम में बोटिंग का, क्योंकि हम ऊपर ऊपर जा रहे थे। ये देखिए सामने देख रहे हैं, वो भी एक स्पीसीज़ है जो एकदम पत्ते की तरह फैला हुआ है पानी में। तो ये देखिए अब हम बोट की तरफ आ गए हैं और जो है अभी हम बोट पर बैठेंगे और पूरे एक्वेरियम का हम पूरा एक चक्कर लगाएंगे। और हमारे ये जो बोट है आप देखिए ये नीचे से ट्रांसपेरेंट है ताकि हम शार्क को आप देख पाएँ। मैंने कहा था शुरू में आपको 400 किस्म के यहाँ पे शार्क कंसरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है अभी बैठ के इस बोट पे मज़े लेने वाले हैं शार्क का। तो अब हमारी बोट तैयार है चलने को और हम लोग सब बैठ चुके हैं। तो एक बोट में करीब 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं। Alright, very good evening everyone. Hope you are doing well. Welcome to the glass bottom boat. My name is Shahid. I'm your captain. Please, for the safety purpose, do not touch the water and do not tap the water. If you have any kind of question, I can assist you. I will give you some information regarding the Dubai Aquarium in Underwater Zoo. Alright everyone, so right now we are on around 10 million meters of water. Dubai Aquarium in Underwater Zoo is one of the largest and biggest indoor aquarium in the world. As I mentioned, right now we are on around 10 million liters of water. Around 20,000 creatures. Wow, that's for fishes, rays, stingrays. Then you can see we have some corals. It looks like real, but they are not real. They are artificial corals. Okay. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पैर के नीचे से शार्क है, स्टिंक है, वो जो यहाँ पर तैर रहे हैं। ये देखिए शार्क आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था हमारा दुबई एक्वेरियम में बोटिंग का। तो बहुत छोटा राइड था पर बहुत ही इंटरटेनिंग राइड था। फर्स्ट टाइम हम जो है इस तरह का कोई राइड ले रहे थे एक्वेरियम के अंदर बैठ के और आप मज़े ले रहे हो बोट का, बोटिंग का। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप दुबई मॉल के अंदर हो तो ये भी एक अपने आप में सोच के और इस जो बोटिंग का जो है रोमांस बढ़ा रहा था। ये देखिए ये लोग जो है फीडिंग के लिए आए हैं, शार्क फीडिंग के लिए जो बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर फीडिंग भी कर सकते हैं आप। तो बहुत सारा एक्टिविटी यहाँ पर होता है। ये देखिए शार्क दिख रहा है चाहता आपको नीचे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा रहा ये बोटिंग दुबई एक्वेरियम के अंदर। ये देखिए पैर नीचे शार्क दिख रहा है। तो हमने बहुत करीब से शार्क को देखा, महसूस किया और हम फीडिंग नहीं करा पाए क्योंकि फीडिंग के लिए कुछ अलग से टिकट लगता है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो गाइस अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं दुबई एक्वेरियम से। तो यही था हमारा दुबई एक्वेरियम का सफ़र। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि दुबई में ऐसा और क्या आप देखना चाहते हैं, हम वो वीडियो ज़रूर आपके लाएंगे।
ये देखिए एग्जिट पे जो है आपको कुछ मर्चेंडाइज मिल जाएंगे, तो आप घूमने आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से आप ख़रीदें अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जो मैरीन थीम में होती है वो आपको यहाँ पर मर्चेंडाइज आपको मिल जाएगी ख़रीदने के लिए। तो हम भी शामिर यहाँ पर बहुत देर मस्ती किए इस शॉप में जो एकदम एग्ज़िट पे था दुबई एक्वेरियम के, और मस्ती करने के बाद फिर अब हम बहुत भूख लग गया था, तो निकलते ही सामने आपको मिलेगा फूड कोर्ट। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे हम फूड कोर्ट भी। तो बहुत देर तक ये देखिए शार्क, बेबी शार्क से मस्ती कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए पेंगुइन लगा हुआ गेट पे। तो इसके बाद हम सामने ये देखिए ये आ गए फूड कोर्ट, ये देख रहे हैं सामने ये फूड कोर्ट। तो यहाँ से हम चले गए अलबेक जो कि बहुत फेमस है, और वहीं पे हमने थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट लिया, और उसके बाद हम अपने घर के तरफ चले गए। तो गाइज अब यहाँ पे आए थे तो सोचे नहीं थोड़ा सा जो इस जो बाहर बुर्ज खलीफा और फाउंटेन शो है उसका मज़ा ले लें। तो यहाँ से खाने के बाद जो है अब हम जाएंगे फाउंटेन शो का मज़ा लेने और बुर्ज खलीफा का मज़ा लेने। तो जो दुबई मॉल है उसका एक साइड में जो है ये पूरा व्यू आता है बुर्ज खलीफा का और फाउंटेन शो का। ये देखिए ये है बुर्ज खलीफा, ये देखिए। तो शाम के टाइम में कुछ अलग ही यहाँ नज़ारा रहता है, अलग ही क्राउड रहता है, और सारे यहाँ पर फाउंटेन शो का वेट करते हैं। हमने भी वेट किया, फाउंटेन शो देखा, और फिर उसके बाद हम घर की तरफ निकले। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वंस अगैन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और कमेंट ज़रूर करके बताइए हमें ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ भी जानना हो दुबई के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।